हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील। आप देख रहे हो एक के दी टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको M3 की पबजी कैसे चलती है और कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको क्या ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, क्या ये फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं इस फ़ोन के चार क्विक फीचर्स के बारे में। फुल HD+ डिस्प्ले, 12 स्टीरियो स्पीकर्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, स्नैपड्रैगन 662 और 18 वॉट की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग है, 6000 mAh बैटरी एंड टाइप सी पोर्ट। तो मैं गया यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, जो कि रियलमी 7i में था। 7i यूरोपियन मार्केट्स में आ चुका है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको ऐसे ग्राफिक्स मिलेंगे पोको M3 में। तो दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो कमाल की चल जाएगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स पे, लेकिन पबजी जो है वो आपको बैलेंस के साथ मीडियम पे देखने को मिल जाएगी। अब ये जो मैं गेम प्ले शो कर रहा हूँ वो रियलमी 7i का है, और अगेन इसके अंदर जो प्रोसेसर वही सेम पोको M3 में, स्नैपड्रैगन 662। ठीक है, तो एक सेकंड में नोटिफिकेशन हटा देता हूँ सारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बंदे के पास रियलमी 7i है। यहाँ पे मैं इसको रोटेट करता हूँ। अब दोस्तों, ये जो गेम शो कर रहा है वो जो है चाइनीज़ वर्जन है पबजी का, UNG गेम्स ऐसे चाइनीज़ में होता है। ठीक है, तो हो सकता है जो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो, हो सकता है उस पर आपको HD का ऑप्शन देखने को मिल जाए। क्योंकि मैंने सबसे पहले देखा था कि जो Redmi Note 7 है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिलता है, लेकिन उसमें जो PUBG प्ले होती है ना वो भाई हाई के साथ HD पे चल जाती है। स्नैपड्रैगन 662 एंड स्नैपड्रैगन 665 में पता नहीं क्या दिक्कत है, जो उनमें जो है वो हाई के साथ HD पे प्ले नहीं होती बल्कि मीडियम के साथ बैलेंस पे होती है और स्मूथ के साथ हाई पे होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितनी परफॉर्मेंस आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 या टेक्नो स्पार 6 या इन्फिनिक्स नोट 7 या टेक्नो पोवा या जो भी मतलब हीलियो G70 G80 वाले फ़ोन से वो देंगे, उतनी परफॉर्मेंस ये फ़ोन आपको नहीं दे पाएगा। अगर आप पूरे दिन में 1 या 2 घंटे गेमिंग करते हो तो आप इसे ले सकते हो, लेकिन अगर आपको हेवी गेमिंग करनी है और यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी करनी है हाई के साथ HD पे, तो ये फ़ोन आपको नहीं दे पाएगा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल सोशल मीडिया कंजप्शन करनी है, ज़्यादा बैटरी चाहिए, आप मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हो, गेमिंग थोड़ी बहुत करते हो 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैमराज भी पोको ने नॉर्मल दिए, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, उसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर, 6000 mAh बैटरी है। तो अगर इसकी 21-22 हज़ार प्राइस आती है तो ये वही बंदा लेगा जिनको मतलब ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए और नॉर्मल सी गेम प्ले करता है और कैमराज में इतना ज़्यादा इन नहीं है, तो वही बंदा इसे खरीद सकता है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है, तो मतलब नॉर्मल कंजप्शन के लिए ये फ़ोन बेस्ट हो सकता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 से 25 हज़ार के अंदर आपको कौन सा बेस्ट फ़ोन देखने को मिलता है, कैमरा गेमिंग दोनों जो भी चाहिए सारा कुछ बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।